खंडवा जिले की सभी तहसील खंडवा, पंदाना, पुनासा, हरसूद व खालवा में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9425046807। खंडवा के मेडिकल कॉलेज में देर रात जमकर हंगामा हुआ। विवाद का कारण एक कार में सवार 5 नशेड़ी ही युवक कॉलेज की सिक्योरिटी तोड़कर कैंपस में घुस गए। मेडिकल कॉलेज के डीन का आरोप है कि वहां नशेड़ियों ने गर्ल्स हॉस्टल के सामने कार घुमाई और छात्राओं को भद्दे कमेंट किए। सिक्योरिटी गार्ड जब उन्हें रोकने लगे तो युवकों ने गाड़ी और तेज कर ली। इसके बाद आक्रोशित छात्रों ने कार में तोड़फोड़ कर दी। कार में सवार 5 युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं घटना के बाद कैंपस में सुरक्षा के लिए SAF का बल तैनात कर दिया गया है। वहीं युवकों का कहना है कि रात का समय होने के कारण लगती से वहां चले गए थे, उन्होंने रास्ता समझ नहीं आया। कल रात 10 बजे के बाद में जब हमारा कैंपस बंद हो जाता है और हॉस्टल्स बंद हो जाते हैं, तब कुछ युवक शराब के नशे में धुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए कॉलेज के कैंपस में अंदर आए और गर्ल्स हॉस्टल के सामने थोड़ी देर रुक के उन्होंने गाली गलौच अपशब्दों का यूज़ किया। और वो जब बाहर जाने लगे तो बच्चों में गुस्सा था, बच्चों से उनकी बहस होने लगी। वहाँ पे कुछ उनके बहस होने लगी, बच्चों ने उन्हें पकड़ा और ये जो है वो गार्ड भी, सिक्योरिटी गार्ड भी थी, उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। तोड़फोड़ भी हुई है गाड़ी में सर, बताया जा रहा है यहाँ पे। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन वहाँ पे भीड़ बहुत थी, सब बच्चे थे, गार्ड थे और बाहर भी भीड़ जमा हुई थी, इसमें वो घटना हुई है। अभी पुलिस उसकी जाँच कर रही है, हमने पुलिस को रिपोर्ट दी है। जो बच्चे आए, लड़के आए थे, युवक आए थे, वो हमारे कैंपस में आना और हमारी लेडीज़ हॉस्टल तक पहुंचना, ये सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ जो कॉलेज में हमारी बेटियाँ पढ़ती हैं, उनकी सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी होती है और हमने वो जिम्मेदारी निभाने के लिए गार्ड और उनको थोड़ा सा बोल के रखा है कि लेडीज़ हॉस्टल की तरफ कोई जाए नहीं। और ऐसे में ये सब कुछ हुआ है, हम चाहते हैं कि हमारे कैंपस सुरक्षित रहे, हमारी बेटियाँ ये जो भारत के पूरे राज्यों से आती है, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस दोनों पक्ष पर कार्रवाई की बात कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो नशे की हालत में युवक वहां पहुंचे थे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कॉलेज के 2 छात्रों ने इन युवकों के साथ मारपीट कर गाड़ी में तोड़फोड़ की, इसकी भी जाँच की जा रही है। CCTV कैमरे की जाँच लिए जा रहे हैं। टीम भारती न्यूज। जी हाँ, कल रात को एक विवाद हुआ था मेडिकल कॉलेज में, 5 युवकों द्वारा कार से गेट के अंदर से घुसने को लेकर वहाँ विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के द्वारा, मेडिकल कॉलेज के डीन साहब के द्वारा पता था, उन युवकों के द्वारा भी थाने पर आवेदन दिया गया है, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों पर कार्रवाई हो रही है सर इस मामले में? जी तोड़फोड़ हुई सर, गाड़ी वाड़ी तोड़ा गया सर। हाँ, गाड़ी तोड़फोड़ हुई है। मामला क्या था सर, बताया कि किससे घुसे थे अंदर कैंपस में? ये जांच का विषय है और वहाँ भी जैसे अभी स्टेटमेंट लेंगे वहाँ के छात्रों के, तो स्थिति स्पष्ट होगी कि वो क्यों घुसे थे। Subscribe now to most exciting channel ever.